हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तू नूर नहीं है, तू खुदा नहीं है। तो यहीं पर कंपटीशन हो गया, यहीं पर लड़ाई हुई। इबलीस ने पीछे से चुटकी काटी नमरूद को, कहा देख इब्राहिम तुझे क्या कह रहा है। तब इब्राहिम की बात सुनने के बाद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनने के बाद नमरूद ने आग तैयार करवाई, आग तैयार करवाई और आग में हजरत इब्राहिम को झुकवाया। हजरत इब्राहिम आग में गए और जब गए कुछ हुआ नहीं, कुछ बोलो जोर से बोलो, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ, कुछ हुआ नहीं। आप पूछे क्यों नहीं हुआ? इब्राहिम का जिस्म था मिट्टी से, वो उनको भी बनाया गया था। बोलो जो अशिया हजरत आदम के वजूद में लगी थी, वही सारी चीजें हजरत इब्राहिम में भी तो रही होंगी। तो बताओ हजरत इब्राहिम जले क्यों नहीं? आग का काम था जलाना, जले क्यों नहीं? आवाज आती है इब्राहिम जले कैसे? मेरे महबूब का नूर इब्राहिम में मौजूद है। मुस्कुराकर बोल दो, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, जल्दी जल्दी बोलो ताकि मैं भी बोलता चला जाऊं। बोलो तो जले नहीं, जले नहीं, जले। नमरूद की बेटी देख रही थी, कौन देख रही थी? नमरूद की बेटी देख रही थी, देख रही थी, देख रही थी। क्या देखती है? देखते देखते कि इब्राहिम आग में बैठे हुए हैं। बोलो इत्मीनान से कोई आग के ऊपर बैठ पाएगा? बोलो नूरे मुस्तफा का कमाल देखो, हजरत इब्राहिम शांति के साथ, सुकून के साथ, अमन के साथ, टेंशन फ्री होकर आग के अंगारों पर बैठे हुए हैं। नमरूद की बेटी ने कहा, ए इब्राहिम ये कैसे हुआ? तुम चले क्यों नहीं? आग तो महीनों से चल रही थी, तुम चले क्यों नहीं? का जलू कैसे रसूल का मीलाद मनाने आया? मिट्टू कैसे मुस्तफा का मीलाद मनाने आया हो? हजरत मिलाद मुस्तफा की बरकत ही तो थी, नबी की अनूर की बरकत ही तो थी। इब्राहिम नहीं चले, तो इब्राहिम को जब देखा नमरूद की बेटी ने तो कहा मैं और करीब से देखने की मुश्ताक हूँ। तो वहीं से आवाज आती है, वहीं से जंप लगा दे जहाँ पर तू है। तो वहीं से उसने जंप लगाया था, वहीं से छलांग लगाया था, वहीं जाकर खड़ी हो गई जहाँ हजरत इब्राहिम जलवा बाब थे। क्या देखती है? सिर्फ इब्राहिम ही नहीं बल्कि उसके पैरों के नीचे भी वो नजर आई। मतलब ये कि नूर से जिसको लगाव हो जाए, नूर से जिसको प्यार हो जाए, वो लाजवाब हो जाए। हजरत मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि क्या फरमाया? قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। नूर का काम क्या है? रोशनी देना। क्या है? जोरो बोलो, बोलो जोर से बोलो, क्या है नूर का काम? क्या है? रोशनी दे दे, मिटा देना। इबलीसियत चाह रही थी दुनिया के चारों तरफ सिर्फ तारीकी हो, सिर्फ अंधेरा हो। मेरा रब चाह रहा था मेरे महबूब के नूर से सवेरा हो, मेरे महबूब के नूर से उजाला हो जाए। अल्लाह रब्बे कायनात ने सिलसिला दर सिलसिला नबी के नूर को भेजता रहा, अपने महबूब को भेजता रहा और आखिर में हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में वो नूर मुस्तफा आ गया। बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूँ। पिछले साल मैं बोल रहा था कि वो आने वाले हैं, याद है? ये याद है कि नहीं? वो आने वाले हैं। बोलो याद है कि नहीं? याद है, वो आने वाले हैं। आज मैं बताता हूँ कि वो आ गए और जब वो आए तो क्या हुआ? तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह रब्बे कायनात के बंदो, मुसलमानों, खुदावाने रसूलुल्लाह, तमाम मोमिन भाइयों सुनो, तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। ए महबूब मैंने आदम को भेजा तो सरफे जमीन की तरफ भेजा था, ए महबूब मैंने ज़करिया को भेजा तो हरियालियों की तरफ भेजा था, मैंने और पैगंबरों को भेजा तराई इलाकों में भेजा था, तरावत की तरफ भेजा था, पनपरिया के किनारे भेजा था, किसी को दरिया के किनारे भेजा, किसी को सबसा साल की तरफ भेजा। लेकिन ए महबूब तुझे भेजूंगा तो पत्थर दिलों के सामने, पत्थर दिलों के सामने, पथरीले इलाके में, पहाड़ों के दरमियान भेजूंगा। ए मौला सबको तूने जरखेज जमीन की तरफ भेजा, कहीं हरियाली की तरफ भेजा, कहीं तराई इलाकों की तरफ भेजा, अपने महबूबे खास को पथरीले इलाके में क्यों भेजा?
मतलब नहीं समझे, पत्थर भी मुंतजिर थे, आए महबूब अपना नक्शे कदम रख दे और हम सीधे महफूज कर ले। हजरत पत्थर मुंतजिर थे, जब इंसानियत सिसक रही थी, जब इंसानियत पिलक रही थी, जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, जब इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, इंसानियत की आहें अल्लाह की जानिब जब पहुंच रही थी, तो रब ने फरमाया ए महबूब अब तुम्हें जाना है, ए महबूब अब तुम्हें जाना है। अल्लाह ने कद जाकुम मिन अल्लाह के नूर कह के दुनिया को पहले सजाया, फिर कद जाकुम मिन अल्लाह के नूर कह के अपने महबूब को दुनिया में भेज दिया। हजरते गिरामी, जब तक दुनिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आए थे, चारों तरफ दहशतगर्दी और दुश्मनी का बाजार गर्म था, नफरत का बाजार गर्म था। जब मेरे मुस्तफा आए तो हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आने लगा, जब मेरे आका आए तो हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आने लगा। जुलूस मोहम्मदी के बारे में कल कुछ लोग सोच रहे थे कि जुलूस कैसे निकलेगा, कुछ लोग परेशान थे कहीं कोई दिक्कत तो ना हो जाएगी, कुछ लोग टेंशन में थे कैसे निकाले कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ जाए। परेशानियों का लोग मुजाहरा करते रहे, लेकिन याद रखिए परेशानियों का जो लोग मुजाहरा कर रहे थे, यानी परेशानी आई रही और परेशानी देख रहे थे, उनको देखने का भी कमाल, उनके उनका देखना भी कमाल का है। लेकिन सुनो, जो आशिक रसूल हैं वो नबी की अदा देख रहे थे, जो गुलामाने रसूल हैं वो सहाबा की अदा देख रहे थे। मुझसे कल आदमगढ़ की सरजमीन पे कहा, हजरत कुछ लोगों ने कहा है जुलूस कैसे निकाले, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए, कहीं हमारे भाई परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। हमने कहा खुदा की कसम, अगर नबी का गुलाम है तो कयामत तक परेशानी का सामना नहीं करेगा। नबी का गुलाम है तो परेशानी का सामना उसका मुकद्दर नहीं बन सकता। दुनिया की किस्माती ताकतें कितना भी अपने उरूज पर हो, आशिक बड़ी शांति के साथ, बड़े अमन के साथ अपना जुलूस लेकर निकल जाएगा। आपने कहा था, आजमगढ़ के लोगों ने मुझसे कहा मौलाना साहब तंबी कर दीजिए, लोग बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, बहुत बहुत मचाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग किसी मुसीबत में पड़ जाए। हमने कहा खुदा की कसम कभी नहीं पढ़ेंगे। मौलाना से पूछा क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने कहा इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि आशिक रसूल को मालूम है कि चला कैसे चला कैसे जाता है। तो पूछा कैसे चला जाता है, मैंने कहा सुनो सुनो तुम्हारे साथ एक बात सुन लो, फिर मैं आका की मीलाद की तरफ चलता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नबी के नाम पर मर मिटने वालों, याद रखो जिस दिन तुम्हारा ये मकसद बन जाएगा कि नबी के लिए आए हैं, नबी के लिए जाएंगे, दुनिया की कोई शय नहीं देगी, चीज तुम्हें तो नहीं देगी, बोलो देगी, बोलो देगी। प्रशासन के लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, देखो मेरे नबी के नूर का सदका देते कि सब के सब हमारी हमारी सुरक्षा में, हमारी सेवा में लगे हुए हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों की सेवा करते रहे, जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों की जो है चक्कर काटते रहे और देखते रहे कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं। किसने लगाया है यहाँ? किसी और ने नहीं, मदीने वाले ने लगाया है। बोलो मदीने वाले ने लगाया है। मदीने वाला जिसे तौफीक देता है वही जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत करता है। तो कुछ लोगों ने मुझसे आदमगढ़ में कल पूछा हजरत जुलूस कैसे निकाला जाए, हम समझाएंगे तो लोग नहीं मानेंगे, वो समझाएंगे तो नहीं मानेंगे, ये समझाएंगे तो नहीं मानेंगे। हमने कहा समझाने की जरूरत क्या है, सब आशिकाने मुस्तफा है, नबी की सीरत जानना चाहते हैं, नबी को पढ़ना चाहते हैं, नबी का किरदार सुनना चाहते हैं, नबी की सीरत सुनना चाहते हैं, नबी की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, नबी का चलवा देखना चाहते हैं। हमने कहा आओ आशिक रसूल को आशिक रसूल का एक किरदार दिखा देते हैं, इंशाल्लाह जुलूस निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपने कहा आजमगढ़ के लोगों ने कहा हजरत को कैसे, मैंने कहा हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना है, नाम सुना है हजरत खालिद बिन वलीद का, सबूत भी ले लो यहीं से कि जुलूस किस अंदाज में निकाला जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, क्या कहा जाता है हजरत, तशरीफ फरमा पूछ लीजिएगा, दिल नहीं लग रहा है, थोड़ा दिल लगाइए,
ना आपका दिल लग रहा है और आपको देखकर हमारा भी दिल नहीं लग रहा है। थोड़ा दिल लगाइए तो मैं अपने रंग में आ जाऊं। पता नहीं क्या बात है कि दिल नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी बात की टेंशन है? बोलो टेंशन है। जो होना था हो चुका, जो होना था हो चुका। अपनी बदामाली पर आंसू बहाओ, अपनी बदकिरदारी पर रो। क्या हो गया? तुमने क्या कर डाला? किसी को दोष मत दो। तुमने क्या किया? अपने आमाल का मुहासबा करो, देखो तुमसे क्या हुआ है। हजरत बहरहाल में अर्ज कर रहा था, हजरत खालिद बिन वलीद पर मैं आता हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद है, हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह कहा जाता है। नबी की सीरत भी जान रहे हैं, नबी का तरीका भी जान रहे हैं, नबी का चेहरा भी देखा है, नबी का उठना भी देखा है, नबी का बोलना भी देखा है, नबी की तबलीग भी देखी है, नबी का इरशाद भी सुना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक शहर पर कब्जा किया। क्या किया? क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कब्जा किया हजरत खालिद ने। और वहाँ के लीडर से जब शहर में दाखिल हुए तो वहाँ के यहूदी लीडर से कहा, यहूदी से कहा, यहूदियों के सिपा सालार से कहा, यहूदियों के पेशवा से कहा, यहूदियों के मौलवी, यहूदियों के लीडर, यहूदियों के सिपा सालार, हमने तेरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया। या तो जंग करने के लिए तैयार होता, या फिर अपने शहर के गेट की चाबी मुझे दे। क्या कहा? या तैयार हो जा, और या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि टैक्स देने के लिए तैयार हो जा। हर साल तुझे माले गनीमत में टैक्स देना। उस यहूदी ने एक प्लानिंग की उसी वक्त। तवज्जो के साथ सुने, आने वाले वक्त को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप अपने आका की सीरत को पढ़ेंगे, खुदा की कसम कयामत तक पूरी शान से जुलूस निकालते रहेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अपने शहर की चाबी और कब्जा मुझे दे दो। तो यहूदियों के लीडर पादरी ने कहा था कि खालिद हमारी एक शर्त है। क्या कहा? हमारी एक शर्त है। खालिद ने, हजरत खालिद ने ये नहीं पूछा क्या शर्त है, का मंजूर है। मुस्कुराकर मुस्कुराकर नबी के दीवाने थे, मुस्कुराकर कह दिया मंजूर है। ये भी नहीं पूछा कौन सी शर्त है, का खालिद मेरी शर्त ये है कि तुम इस शहर के गेट से लेकर दूसरे गेट यानी आखिरी गेट तक निकल जाओ, कोई दंगा फसाद ना होने पाए, कोई परेशानी ना होने पाए, ना तुम्हारे लोग डंडा उठाए, ना हमारे लोग डंडा उठाए, ना तुम्हारे लोगों का खून खराबा हो, ना हमारे लोगों का खून खराबा हो, ना तुम्हारे लोग मारे जाए, ना हमारे लोग मारे जाए। अगर इस अंदाज में तुम निकल गए, बच्चों तुम निकल गए, तो ये शहर भी तुम्हारा है, ये शहर के सारे रहने वाले भी तुम्हारे। हजरत खालिद के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, आपके लिए भी कोई बड़ा मसला नहीं है। हजरत अल्लामा शाह अलहाज मुफ्ती अब्दुल हादी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया के दामन को पकड़कर हर साल जुलूस निकालो, और इस अंदाज में निकालो जिस अंदाज में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक काफिला लेकर चल रहे हैं। यहूदी के लीडर ने कहा, खालिद एक भी खून कतरा ना गिरे, खून का एक कतरा ना गिरे। तो हजरत खालिद ने कहा मंजूर है। तब हजरत खालिद ने क्या एक घंटा प्लानिंग की थी, मीटिंग की थी? बोलो, नहीं की थी। हजरत से पूछिएगा तो कहेंगे नहीं। तो फिर कौन सी आयत पढ़कर लोगों पर दम कर दिया था जिसका असर गालिब हो गया? कौन सी ऐसी दुआ पढ़कर फूंक मार दी थी जिसका असर उन पर गालिब आ गया था और वो पीछे पीछे चलते चले गए, कुछ बोले नहीं। अब पहली ये चीज सुन लो कि यहूदियों की ये प्लानिंग थी कि इनको मारा जाए, यहूदियों की ये प्लानिंग थी इनको काटा जाए, यहूदियों की ये प्लानिंग थी इनको न्यूनतम आबूद किया जाए, और मुस्तफा के गुलामों की ये शान थी, मुस्तफा के गुलामों का ये इरादा था कि बड़ी शांति के साथ निकल जाया जाए, ना हमें तकलीफ पहुंचे, ना
उन्हें तकलीफ पहुंचे। यहूदियों ने शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतों पर छोटी छोटी कम उम्र की लड़कियों को खड़ा कर दिया और छोटे छोटे कपड़े पहना दिए। बच्चों के साथ सुनिएगा, छोटे छोटे कपड़े पहना दिए। क्यों पहनाए थे? वो हमारे ईमान का जायजा लेना चाहते थे, वो हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते थे। उन लोगों का प्लान ये था, उन लोगों का मंसूबा ये था कि जब मुसलमान निकलेगा खूबसूरत हसीना को देखेगा, दिल तक मगाएगा, इब्लीसियत हुलूल करेगी, इब्लीसियत इसके साथ हो जाएगी। और ये जब बहकेगा, जब ये दो शेरों के करीब जाएगा, उसने हुस्न उसके हुस्न पर बार होता होगा, दीवाना होगा। और जब हसीनाओं के हुस्न में खोएगा, हम तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे और इसे शिकस्त दे देंगे और हम इसे यहीं पर नष्ट नाबूद कर देंगे। हजरत ने प्लानिंग किसकी थी? यहूदियों की थी, इस्लाम के दुश्मनों की थी। लेकिन देखो जरा इस्लाम के मानने वालों का तरीका देखो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कोई आयत नहीं पढ़ी, हजरत खालिद बिन वलीद ने कोई कुरान का जुज नहीं पढ़ा, हजरत खालिद बिन वलीद ने कोई हदीस हदीस पढ़ी? हाँ हाँ, हदीस पढ़ी थी। वो कौन सी हदीस थी? आओ जरा देखो, नबी कौनैन के आशिक ने सिर्फ इतना कहा था। क्या कहा था? सिर्फ इतना कहा था, यहूदियों से नहीं, अपने पीछे जितने लीडर थे सबसे कहा था, ए लोगों, ए मुस्तफा के चाहने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे नबी का चलना जानते हो कैसा था? नबी का बोलना जानते हो कैसा था? सिर्फ इतना कहा था, मेरे नबी फरमाते हैं, एक मोमिन का चलना ऐसा होता है कि जब वो जमीन पर चले उसकी निगाह नीची हो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब देखो फायदा कितना होगा, नीची निगाह करने पर कितना बड़ा फायदा होने वाला है। उधर तो लोग नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इधर फायदा कैसे हो रहा है? नबी की एक बात पर अमल करने से। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खालिद ने कहा, मुसलमान वो है जिसको जो चले और उसकी निगाह नीची रहे। हजरत खालिद बिन वलीद ने इतना कहा था, तमाम आशिकों ने, तमाम गुलामों ने, तमाम चाहने वालों ने, पीछे जितने उशाक थे सबों ने निगाहें नीची कर ली। हजरत खालिद ने कदम शहर के अंदर दाखिल कर दिया और शहर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की जानिब रवा रवा हो गए। हजरत अली सिपा सालारी करते हुए, रहनुमाई करते हुए, पेशवाई करते हुए, रहबरी करते हुए आगे आगे जा रहे हैं। हजरत खालिद के तमाम रह खालिद की रहबरी में तमाम उशाकाने मुस्तफा पीछे पीछे निगाहें नीचे किए हुए चले जा रहे हैं। मैंने पूछा, ये निगाहें नीचे करके जाने वाले ये तो बता दो कि नीचे क्यों किया हो? तो जवाब मिला था, इसलिए नीचे किया है कि मुस्तफा ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया है। हजरत बड़ी तेजी से सुनिए, हजरत चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लोग प्लानिंग करके बैठे थे, ये देख क्यों नहीं रहे, ये देख क्यों नहीं रहे? तवज्जो करें, मैं अपनी बात मरहले तक ले जाना चाह रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ खत्म कर रहा हूँ बात को अपनी, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि वक्त की किल्लत है। हजरत खालिद बिन वलीद निकल रहे हैं, तवज्जो है ना, और जितने साथी थे साथ में सब पीछे पीछे निगाहें झुकाए निकल रहे हैं। यहूदी सोच रहे हैं, ये लोग पलट के देख क्यों नहीं रहे, ये हसीनाओं की तरफ नजर क्यों नहीं डाल रहे, ये हुस्न वालियों की तरफ नजर क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या बात है, किसी ने नजर नहीं उठाई। बड़ी शांति के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ हजरत खालिद बिन वलीद का जुलूस निकलता चला जा रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद की जो है रहबरी में पूरे उस शाखाने मुस्तफा बड़ी शांति के साथ चले जा रहे हैं। आखिर में हुआ ये कि हजरत खालिद की रहनुमाई करते कर, हजरत खालिद की रहनुमाई के दामन में, उनके साए में तमाम लोग पीछे पीछे दूसरे गेट तक कहां पहुंचे दूसरे गेट तक कहां पहुंचे दूसरे गेट तक पहुंच गए ना। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी ने तलवार नहीं उठाई, किसी ने लाठी नहीं चलाई, किसी ने कुछ नहीं उठाया, किसी का खून, किसी के भी खून का एक कतरा नहीं बहा। पार कर गए दूसरा गेट भी, जब खालिद बिन वलीद दूसरा गेट भी पार करते हैं, उनके साथी भी दूसरा गेट पार करते हैं और शहर के बाहर निकलते हैं, तो क्या देखते हैं? वही यहूदी जिसने शर्त रखी थी, वही यहूदी जिसने शर्त रखी थी, खालिद अगर शांति के साथ तुम इस शहर को पार कर गए तो ये शहर तुम्हारा है, ये शहर के सारे निवासी तुम्हारे। तवज्जो है, इशारे में बात समझे, ये शहर तुम्हारा है और ये शहर के निवासी रहने वाले
سب تمہارے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ صرف یہودیوں کا سپہ سالار نہیں بلکہ پورا شہر حضرت خالد بن ولید کے استقبال میں سامنے موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے استقبال میں سارا شہر موجود ہے، اور خالی ہاتھ نہیں، سب کے ہاتھ میں ایک بڑی بڑی تشریح موجود ہے۔ تشریح کے اوپر لال رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس میں کہیں اسلحے تو نہیں ہے، کہیں بم تو نہیں لے کر آئے یہ لوگ مرنے کے لیے؟ جواب ملتا نہیں ہے۔ کیا پھر اس میں چھپا کیا ہے لال رنگ کے کپڑے کے نیچے؟ توجہ رہے، حضرت خالد بن ولید نڈر ہو کر آگے بڑھے، یہودیوں کے سردار سے کہا، اے یہودیوں کے لیڈر، تجھ سے میرا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم اگر اپنی شرط پر کھڑے ہو جائے تو تو چابی دے دے گا، اب چابی دے دے، بھیڑ لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے اکیلے آنے کی ضرورت تھی، اتنے لوگوں کو کیوں لے کر کے آیا؟ تو خالد بن ولید سے یہودیوں کا سردار کہتا، خالد میں انہیں لے کر نہیں آیا، انہیں تیرا کردار کھینچلایا ہے۔ زور سے تیرا کردار کھینچلایا ہے، اے خالد تیری سیرت کھینچلائی ہے۔ کہا مطلب یہ ہے، بغیر جھگڑے کے، بغیر فساد کے، ایک شہر کے پہلے گیٹ سے شہر کے دوسرے گیٹ تک آپ پہنچ گئے، یہاں تک کہ باہر بھی آ گئے، لیکن کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہی تو ہم دیکھ رہے تھے۔ یہی تو ہم، زور سے بولو، یہی تو ہم دیکھ رہے تھے۔ مطلب جلوس محمدی نکلنے والوں، درس لو، سبق لو صحابہ کی زندگی سے، حضرات نبی کے کونے صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سامنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے یہودیوں کا سردار کہتا ہے اے خالد کچھ ہوا؟ سبحان اللہ، تم نے کیا کہا تھا اپنے ان تمام چاہنے والوں سے؟ خالد کہتے ہیں، میں نے صرف اپنے نبی کی سیرت کا ایک گوشہ سامنے رکھ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ نبی کا فرمان یہ ہے نبی کے غلاموں کے لیے کہ جب وہ چلائے تو نگاہیں نیچی ہو، نگاہیں نیچی ہو۔ بس اتنا کہا تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ ہم سب شانتی کے ساتھ نکل آئے۔ تو یہودیوں کا لیڈر کہتا، اسی لیے تو ہم بھی شانتی کے ساتھ سامنے آ گئے۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں کسی کا جواب دینے کی، کسی کا جواب تمہیں دینے کے لیے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں ایسا ڈھال دو تمہارا کردار کا جواب، تمہاری سیرت کو جواب دے دے۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، چابی دے دو۔ کا چابی تو دے دیں گے، لیکن اے خالد پہلے یہ بتا تم نے پڑھا کیا تھا؟ حضرت خالد نے کہا، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ نبی کے غلاموں کی پہچان یہ کہ جب وہ چلے تو زمین پر چلتے چلتے ان کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، اتنا کہا تھا، اتنا سن لیا۔ تب اس یہودی لیڈر نے کہا تھا، اے خالد جب تیرے مصطفیٰ، تیرے نبی، تیرے آقا کے گفتار کا یہ عالم ہے اور اتنا اثر ہے تو ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا، ان کے کیریکٹر کا عالم کیا ہوگا، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ان کے جمال کا عالم کیا ہوگا، ان کے مذہب کا عالم کیا ہوگا، ان کے دین کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ خالد چابی بعد میں لینا، پہلے ہمیں مذہب اسلام عطا کر دو، چابی بعد میں لینا۔ وہی لوگ تھے تو تلواریں لے کر، وہی لوگ تھے، توجہ، حالات حاضرہ کے تعلق سے ایک میسج آپ کے سامنے رکھ کر گزر جانا چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ حضرت خالد بن ولید سے وہی لوگ بات کر رہے ہیں جن کی تلواریں دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جن کے اسلحے تلواروں پر دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جو گردنے کاٹنے کے منصوبے بنا چکے تھے، جو گردنوں کو کاٹ کر زمین بوس بولنے کے لیے پوری پلاننگ اور تیاری کر چکے تھے۔ وہی لوگ ہتھیار ڈال کر خالد کے قدموں میں آتے ہیں، کہتے خالد پہلے نبی کا کلمہ پڑھا کر اسلام عطا کر دو، ہم بھی تمہارے ہیں، یہ سارا ہم بھی تمہارے ہیں، یہ سارا شہر تمہارا ہے۔ حضرات اگر یہی طریقہ
यही अगर तरीका अपना लो, खुदा की कसम, खुदा की कसम, फिर प्रशासन के लोग भी टेंशन फ्री हो जाएं। जरा मुस्कुराकर बोलो, फिर उन्हें भी मेहनत ना करनी पड़े, वो समझ जाए कि आशिक रसूल का जुलूस मुस्तफा जाने रहमत की नीलाम का जुलूस जुलूस मोहम्मदी में आने वालों। कल परसों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। निशाना किसी को नहीं बना रहा हूं, एक बात तुम्हारे लिए, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे और ना कहेंगे, इसलिए मेरे नबी ने ये पैगाम ही नहीं दिया किसी को कुछ कहो, अपने किरदार को ऐसा बना लो तुम्हारा किरदार खुद बोल करके कहने लगे, पुकार पुकार कर कहने लगेगा। क्या कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं चली गई चली गई चली गई ना, बोलो बोलो। एक साहब ने कहा कि हमें खैरात नहीं चाहिए, एक साहब ने कहा बस आखिरी बात, एक साहब ने कहा हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, वो आखिर गई क्यों, गई क्यों, गई क्यों, गई पता है आपको क्यों गई, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, क्यों गई, क्यों गई, वो आज नहीं गई है, बहुत पहले चली गई थी। रुको रुको, सुभान अल्लाह मत कहो, भी रुके रो, जरा कलेजे पर हाथ रख लो और अपने किरदार का जायजा लो। बहुत पहले चली गई थी, पूछने वालों ने कहा क्यों चली गई, तो जवाब देने वालों ने कहा मस्जिदों में लोगों ने जाना छोड़ दिया इसलिए मस्जिद ने। तवज्जो है, अल्लाह का एक वली है, एक शहर से गुजर रहा, एक शहर से गुजर रहा, तवज्जो रहे, तुम क्या आया, जमीनें क्या है, घर द्वार क्या है, सब कुछ छिन जाएगा अगर तुम नबी के किरदार को अपनाना छोड़ दोगे, तो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से आम दुनिया में हुई बेइख्तदार रखी। अल्लाह का वली शहर से गुजर रहा है और रास्ते में सफर के दौरान रात हो गई, रुक गए, गांव पड़ा, एक गांव पड़ा, गांव तवज्जो रहे, काम की बात कर रहा हूँ, एक गांव पड़ा, गांव पड़ा, तो वहीं गांव में रुके और किसी के घर घर पर दस्तक नहीं दी, अल्लाह के घर पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, काश तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जब दुनिया के सारे आधार बंद होते हैं तो अल्लाह का दर खुल जाता, काश तुम्हें ये समझ आया होता, अगर ये समझ आया होता कोई परेशानी ना होती, बोलो होती, जो लोग आज लेने की बात कर रहे थे वही लोग कब का दे चुके होते, बोलो बोलो, कमी उनमें नहीं, कमी हम, हमने तरीका छोड़ा है। हजरत तवज्जो से सुनिए, अल्लाह का वली है, मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद में पहुंचा, क्या देखता है, क्या देखता है कि मस्जिद की दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, मस्जिद की चटाइयां गर्द आलूद है, अल्लाह का वली वहीं पर सफाई करके नमाज अदा करता है, नमाज ईशा पढ़ने के बाद सो जाता है, आखिरी वक्त तहज्जुद का जब होता है, आखिरी रात अपने आखिरी हिस्से में जब जाने लगती है, अचानक उस वली की आंख खुल जाती है, सोने के बाद उठते हैं वो खुलती है, तो क्या देखते हैं, क्या है कि कोई रोने वाला रो रहा है, कोई रोने वाला रो रहा है, कोई रोने वाला रो रहा है, कौन रो रहा था, अल्लाह के वली फरमाते हैं मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, जब नजर नहीं आया अल्लाह के वली कहते हैं मैंने आंखें बंद कर ली, और जब आंखें बंद कर ली रब से लो लगा लिया, अल्लाह ने हिजाबात उठा दिए, पर्दे उठा दिए, अल्लाह का वली कह रहा है कि मेरी हैरत की इंतहा ना रही, मैंने देखा मस्जिद की ईंट रो रही थी, मस्जिद की दीवार रो रही थी, मस्जिद के मीनार रो रहे थे, मस्जिद की चटाइयां रो रही थी, मेरा वो मेंबर रो रहे थे, पूछने वालों ने पूछा तो जरूर होगा क्यों रो रहे थे, और ही नहीं रहे थे बल्कि ये भी कह रहे थे, वो मीनारों मेंबर ये भी कह रहे थे, वो चटाइयां ये भी कह रहे थे, ए अल्लाह जिन्होंने मुझे वीरान किया है मौला तू ने वीरान, जिन्होंने मुझे वीरान किया है ए मौला तू ने वीरान कर दे, जिन्होंने मुझे इस तरह से अकेला छोड़ दिया है मौला तू ने भी अकेला छोड़ दे। हजरत तवज्जो के साथ अब अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के वली बस आखिरी टुकड़ा बात कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं बात को, अल्लाह के वली फरमाते हैं, अल्लाह के वली कहते हैं कि मैंने जब मुराकबा किया तो देखा दीवारें रो रही थी, ईंटें रो रही थी, जमीन रो रही थी, छत रो रही थी, छत रो रही थी, मीनार रो रही थी, अल्लाह अकबर कबीरा, रोते जब अल्लाह के वली
देख के परेशान हुए तो फिर सुबह बाहर निकले, गांव का जायजा लिया। बड़ी तेजी से सुनिए, गांव में पहुंचे, किसी को हैजा की बीमारी है, किसी को ताऊन की बीमारी है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को टीबी है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, सब परेशान, परेशानियों में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला थे सब, परेशान थे, कोई इलाज नहीं था, परेशानी का हल नहीं था। तब अल्लाह के वली बाहर निकले, कहा ए लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें निजात मिल जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हें परेशानियों से निजात मिल जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हें मुसीबतों से निजात मिल जाए, तो सुनो तुम्हारे लिए एक नुस्खा मेरे पास है, सारे तोड़े तोड़ी पाए, इलाज जल्दी हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। अल्लाह के वली फरमाते हैं, चलो कल रात में ये वाकया पेश आया, मस्जिद की मीनार रो रही थी, चटाइयां रो रही थी, मिंबर रो रहे थे, अल्लाह हू अकबर कबीरा, अल्लाह के वली फरमाते हैं, अल्लाह के वली कहते हैं चटाइयां रो रो कर दुआ कर रही थी मौला, लोगों ने मुझे बर्बाद किया, तू उन्हें बर्बाद कर दे। हजरत यही वजह थी कि आज सारे लोगों के घरों में बीमारियां मुसीबतें परेशानियां दाखिल हो चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के वली फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुम चाहते हो ये परेशानियां चली जाए तो सजदा करो। क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? सजदा करो। मुझे समझ में आ गया, आदम के सजदे के लिए फरिश्तों को रब ने क्यों कहा था, इसलिए कि सजदा रब को बहुत मकबूल है। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले सजदे में चले गए, पता चला सजदा रब को बहुत जरूर है। बोलो कबूल है कि नहीं? अल्लाह के वली ने फरमाया सजदा करो, सारे लोगों ने सजदा करना शुरू कर दिया। परेशानी से छुटकारा चाहिए था, मुसीबत से छुटकारा चाहना। अब चाचा, भाजा, भतीजा, चाचा, मामा, सब कितने लोग थे, सब एक दूसरे के जो है मस्जिद में जाने लगे और मस्जिद में पहुंचे, और पहुंचने के बाद नमाज की पाबंदी की। क्या देखते हैं, एक महीने के अंदर अंदर सारे गाँव से बीमारियां दफा हो गई, बीमारियां दफा हो गई। फिर अल्लाह के वली आए, रात में सोए उठे, फिर सुना कि कोई आवाज लगाने वाला आवाज दे रहा, मौला जिन लोगों ने मुझे आबाद किया है, मौला तू उन्हें आबाद फरमा दे, मौला तू उन्हें आबाद फरमा दे। मेरे नबी की मीलाद लगी तो बता रही है, अगर तुम्हें आबाद होना है तो करो अल्लाह के आबाद कर दो, तुम भी आबाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह रब्बे कायनात हम सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम।